ये घुसेगा ही नहीं इसमें। अरे तो उसको मैं उसके उसके ऊपर ही रख लेता ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो ठीक है, वो जबरदस्ती उसी में घुसाए पड़े हो, नहीं उसको निकाल दो। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी मम्मी को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ दूर रेलवे स्टेशन। अभी सुबह के 6:16 हो रहे हैं, मेरे को लग रहा था 6:30 बज जाएगा आते आते, लेकिन हम लोग जल्दी आ गए। और भाई साहब आज बहुत भीड़ है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म टिकट मिल गया, कितने का है? 12:21 आज का डेट है। वैलिड फॉर 2 आवर्स ओनली, 10 रुपीज का रेट कम कर दिया, अभी पहले ज्यादा था। साउथ बिहार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 दिया इस बार। तो मम्मी अभी जा रही है आसनसोल, क्योंकि मेरे जो राम मामा हैं, जिनके बारे में बोल नहीं रहा था, जिनकी वॉइस बड़ी अच्छी है, तो उनका शादी है अभी 13 तारीख को। तो मम्मी उनकी शादी अटेंड करने के लिए जा रही है, तो मैं भी जाने वाला था बट मेरा एग्जाम का डेट आ गया तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। एस्केलेटर बंद तो नहीं है भाई साहब? अरे बंद ही है क्या? बंद कर दिया एस्केलेटर, और कोई आसपास है भी नहीं दिखने वाला जो चालू करेगा। अरे यहीं से चले जाते ना, फिर वापस ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। यहीं से चलते हैं ना। अरे तो ये कहाँ लगे ज्यादा उठाना, तो मेरे को ये हल्का है ये। अरे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो फिर आप वहां से आओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे हो जाएगा, दिखाऊं मैं? जा मैं भी देखती हूँ। रुक ये तो हमार दिखे आसछे, तोर दिखे को। ये अपनी खड़ी है साउथ बिहार एक्सप्रेस। अरे मम्मी ट्रेन तो यही है ना, इसमें राजेंद्र नगर दुर्ग लिखा है। वही मतलब एक ही है ना, साउथ बिहार वही पटना भी लिखा है ना। हाँ एक्चुअली क्या हुआ, मम्मी का जो टिकट है उसका भी थोड़ा सा कांड हो गया था, तो भी लास्ट मोमेंट में ही कंफर्म हुआ है। तो जो भी स्टोरी है पहले बोगी में चढ़ जाते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। और ये जो इतनी सुंदर सी आपको ट्रेन दिख रही है, ये हमसफर ट्रेन है। ऐसे डिजाइन होने चाहिए यार, पता है, पूरे ट्रेन के बोगी में, तब देखने में मजा आता है कि अरे वाह। ओ या दिस इज साउथ बिहार एक्सप्रेस B2 है ना, B2 सीट नंबर नहीं लिखा है क्या बाहर कहीं पे? लिखा होगा यार, ऐसे कैसे। मम्मी को इस बार सीट भी अच्छा मिला है, 71 साइड लोअर है नीचे वाला। बाय द वे हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मस्त पूरा सैनिटाइज करते हुए माता जी, जितना भी ओमिक्रॉन फोमिक्रॉन है सब भग जाएगा। इतना ज़्यादा सैनिटाइज भी नहीं करना कि बचे ही ना, ठीक है? बचा के भी रखना सैनिटाइजर, ये भी जरूरी है ना। हाँ तो जरूरी है, तो इतना नहीं करता है कोई। हाँ प्लग पे भी मार दो, थोड़ा सा स्विच बोर्ड में मार दो। ओके तो मैं आपको अभी स्टोरी बताता हूँ कि एक्चुअली टिकट का पंगा हुआ क्या। क्या हुआ, पहले हम दोनों का टिकट होना था, तो मेरा तो टिकट कैंसिल हो गया था, लेकिन मम्मी का जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में था, PQWL पोल कोटा वेटिंग लिस्ट में। और जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो वेटिंग लिस्ट 2 में आके वो अटक गया, तो जो टिकट है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। मम्मी को जाना था 11 तारीख को, आज है 12 तारीख। तो मेरे एक मामा है देवू मामा जो यहीं पे रहते हैं, तो उन्होंने टिकट काटा जो कि था RAC 16 में 12 तारीख का। और RAC का टिकट है आप बॉकी में चढ़ सकते हैं। तो फाइनली उन्होंने जुगाड़ लगाया और जो टिकट है वो कंफर्म हो गया। तो जॉली मामी और देवू मामा भी आए हैं मम्मी को सी ऑफ करने के लिए। मोटू छोड़े छे बनेटा सुना लिया। बाय बाय। ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म कितने, अनाउंसमेंट ही कर लो तुम पहले भाई। सुबह को भाई साहब ये काउंटर पे इतनी भीड़ थी, अभी तो पूरी खाली है। भाई मेरे 10 रुपए वेस्ट हो गए, मैंने फालतू में प्लेटफॉर्म टिकट कटा लिया। जब बाहर आ रहा था एग्जिट में, तो भाई कोई पुलिस वाला खड़े नहीं था वहाँ पे। सुबह के टाइम ना जो ट्रैफिक नहीं रहती है ना भाई, इसमें गाड़ी चलाने का ना अलग ही मजा रहता है। और वहाँ से सनराइज हो रहा है अभी, बाय द वे सुबह के 7 बज रहे हैं,
और अभी बाकी बातें घर जाके करते हैं। पहले जो रास्ता था देखो कितना पतला सा था, सिर्फ टू लेन रोड था, और अभी इतना चौड़ा कर रहा है इसको। एक बार बन गया ना भाई साहब, गाड़ियां इतनी सही सही निकलेगी ना, मजा ही आ जाएगा तब चलाने का। कभी कभी क्या होता है कि मैं पूरे दिन में कुछ भी नहीं करता, सिर्फ सोता हूँ, तो उनमें से एक दिन आज का था। आज मैं दिन भर सिर्फ सोया हूँ और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। उठ तो मैं गया था 5 बजे, उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर किया, तो अभी 6:30 बज गए हैं और अभी बस अपना पढ़ने के लिए बैठेंगे। और मैं आपको एक वीडियो में बोल नहीं रहा था कि मेरा बैक एक्सरसाइज करने की वजह से मेरा लोअर बैक में पेन हो रहा है, तो वो एक्सरसाइज करने की वजह से नहीं हो रहा था, उसका रीज़न कुछ और था। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये जो गद्दा यहाँ पे रखा है ना, ये यहाँ पे लगा हुआ था, और जनरली गद्दे को ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए, तो वो ऐसा हो गया था, पूरा ऐसा यू शेप में एकदम नाव जैसा बन गया था वो, तो उसकी वजह से ना मेरे बैक में पेन हो गया था। तो मैंने उसको निकाल के कल वहाँ पे रख दिया, एंड सिर्फ 2 बार मैं उस बेड में सोया हूँ, एक तो कल रात को और आज पूरा दिन भर में, एंड लिटरली इतना रिलीफ मिला ना मेरे को, ये पूरा स्ट्रेट है ऐसा। और ये वीडियो मैं अभी वाइड एंगल में बना रहा हूँ, इसलिए आपको ये बेड थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, ये बेड नहीं दीवान है। और करेंटली अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, द डिसिप्लिन ट्रेडर डेवलपिंग विनिंग एटीट्यूड्स बाय मार्क डगलस। ये बेसिकली आपको बताता है कि स्टॉक मार्केट में जब आप एंटर करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। इसमें कंटेंट्स कहाँ गया भाई, ये रहा। ये इतना हद बोरिंग बुक है, साथ ही साथ लेकिन इतना वैल्यूएबल भी है कि कुछ बुक्स ऐसे होते हैं कि जो आप एक बार पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, तो ये उनमें से एक बुक है। और आज का छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।